गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई अब है सुबह का टाइम, देखो आपको दिख रहा होगा मैं हूँ यहाँ रेडी शेडी। सुमन चली गई है जिम और स्कूल में बच्चों कर दिया है ड्रॉप। अभी मैं करूँगा ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकलेंगे और आज हम अपने जो भी विनर्स हैं उनको देंगे सरप्राइज। तो देखते हैं कैसा दिन जाता है, तो बने रहे हमारे साथ। चलो भाई चलते हैं ऑफिस और मिलते हैं ऑफिस पहुंच के। तो भाई सर्दियां प्रॉपर वे में आ गई है और देखो धूप अच्छी लगने लगी है बाहर की, और अभी निकल गए ऑफिस के लिए जैसे कि मैंने बताया था। चलते हैं ऑफिस। और आज का प्लान क्या है कि हमारा आज हम जाने वाले हैं, प्लान कर रहा हूँ मैं, सुमन से बात करेंगे, देखते हैं सुमन अगर एग्री करती है तो हमारे, क्योंकि दो विनर जो हैं वो लोकल ही हैं, अभी भी पता लगा है कि हमें लोकल सिटी से हैं वो। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि दोनों के घर जाके उनका गिफ्ट उनको दिया जाए, और एक जो मिलंद है, मिलंद औरंगाबाद से है, तो उनका गिफ्ट हमने करा दिया है डिस्पैच, जल्दी उनको मिल जाएगा। तो लेट्स सी सुमन के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, जो घर जाके गिफ्ट देने वाला सरप्राइज है। तो चलते हैं सुमन से पूछते हैं, ऑफिस आ गई होगी वो अभी। देखो मेरा तो मानना यही है कि घर जाके गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे को इतने शिद्दत से हमें प्यार करते हैं, हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, हमारे लिए टाइम स्पेयर करते हैं, और जिन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें, मतलब आपको पता है इनिशियल टाइम स्ट्रगलिंग टाइम होता है, स्ट्रगलिंग टाइम में जो आपके व्यूवर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके, मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले आपके ऑडियंस होती है। तो जहाँ पे भी मौका मिलता है वहाँ पे हमें उनको एक जो अपॉर्चुनिटी है उसको कन्वर्ट करके उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। तो कोशिश ये रहेगी हम चलें, बाकी सुमन से पूछता हूँ, सुमन के पास अगर आज टाइम होगा, क्योंकि सुमन आपको पता है सबसे ज़्यादा बिजी होती है। तो अभी ऑफिस चलते हैं, सुमन से पूछते हैं कि क्या वो रेडी है, अगर रेडी है तो फिर तो आज ही चलेंगे, नहीं तो फिर सैटरडे को चलेंगे। तो अभी सुमन से बात करते हैं ऑफिस वालों। बहुत लंबा ट्रैफिक हो गया, फाइनली बहुत ज़्यादा लंबा, अभी देखो ये लाइट ग्रीन हुई है तो अब सारा ट्रैफिक जा रहा है, वरना इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अब ये रेड लाइट है, देखते हैं कब तक ये वाला होता है, वरना ये चार पांच लाइटों में छूटेगा वो सारा ट्रैफिक, है ना मम्मा? हम भी चार लाइट क्रॉस करके आए हैं तब जाके हुए। हाँ जी, रुपए थे क्वालिटी पे खाने के लिए, पर हमने ले लिया, घर जाके खाएंगे, और उनका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, हम वेट करे जा रहे हैं। तो कुछ चले, कुछ भी मत उठा अब। गाइस देखिए कैसे लगी हुई है, चबड़ चबड़ करने, घंटा हो गया इसको लगे हुए। क्या खा रही है डुगू? खाइए, वहाँ रखा है पोहा, सूखा पोहा। डुगू कुछ मांग रही है दादी से। डुगू क्या मांग रही है तू दादी से? आशीर्वाद। कौन सा आशीर्वाद? मम्मी के बर्थडे वाला आशीर्वाद। आशीर्वाद मांग रही है ये, आशीर्वाद का मतलब पता ही होगा तुम्हें। आशीर्वाद क्या होता है? आशीर्वाद, आशीर्वाद पैसे मिला। आशीर्वाद का मतलब ये होता है, तो किसी को मालूम हो या ना हो, आशीर्वाद का मतलब तो डुगू से पूछ लेना। आप दादी से आशीर्वाद में पैसे ही मांगते हो। तैयार जा तू। फ्रेंड्स ये देखिए, टाइम पास करना सीखना हो तो इनसे सीखिए, चाय पी लो, अच्छे से करते हैं ये टाइम पास। हैंड डाउन एक एक लिरिक्स बोलो। हाँ बोल। चाय पी लो। का चाय? <बनी नहीं। laughs> तो गाइस देखिए शक्ल नहीं दिखा रही है, कोई बात नहीं मत दिखा, हमें ज़रूरत ही नहीं है। और ये चाय पी रही है बोतल के अंदर। और दादी क्या लेने गई है तुके? दादी कुछ लेने गई है, वो दिखा दे। तो गाइस ये अब दादी को आशीर्वाद देगी, तो दादी को आशीर्वाद देने वाली है दादी। दिखी 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 चल चल नहीं, प्लीज दम को ले जाऊ मैं, क्यों जल्दी आ जाना फिर। तो ये है मतक का चक्रात, रात को हमें यहाँ आना है, तो देखते हैं हम, मन करेगा तो आएंगे वरना नहीं भी आएंगे, कोशिश करेंगे आने की, मतक का जागरण देंगे। तो देखिए स्कूल से आके अब एक्स क्लास जाके लड़की लग गई है व्लॉग देखने, निकू व्लॉग इसके फेवरेट व्लॉग्स है। ये आए थे ऑफिस से जल्दी घर, और ये भी रजाई में घुस के,
देखा ना इंसाफी लेडीज के साथ। भाई ठंड इतनी है तो लेडीज हमें नहीं लगती ठंड। अरे काम करते हुए नहीं लगती ठंड भाई, फिर आ जाओ काम कर लेते हैं। अरे चाय में मत पीसो, रसोई का काम आदमी करेंगे तो फिर लेडीज क्या, वो कहते हैं ना कि इक्वालिटी चाहिए। अगर हमने रसोई का काम भी करना शुरू कर दिया ना तो तुम कहाँ जाओगे फिर? हम तो यही रहेंगे जैसे आप। काम वो भी छिन जाएगा तो क्या हुआ, बटके हो जाएगा। हम भी रजाई के मुझे ले लेंगे जल्दी। फिर ये बोला जाएगा कि फीमेल्स को मौका नहीं मिलता। मौका क्यों नहीं मिलता, मौका ही मौका है। अच्छा फिर एक काम करते हैं, स्वाइप कर लेते हैं। मैं सारा जो काम तू करती है मैं वो संभालता हूँ। नहीं 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 तू मेरे बड़ा संभाल। ना 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 देख लो फिर, अब मैंने पूरी अपॉर्चुनिटी दी, अब इसने मना कर दिया। तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी क्या? इनको पढ़ाई नहीं करनी, इनको उठ के सुबह लड़ाई करनी है। हाँ ये डेली लड़ती है, डेली सुबह उठते शुरू। अब नहीं लड़ेंगी ये, टीवी देखते टाइम ही लड़ती है। सुबह देखना इनका चिक 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 चिक। स्कूल जाते टाइम दामू की वजह से आज सब कुछ क्या बजट ताले बस। तो दामू की वजह से क्या हुआ वैसे? स्कूल जाना पड़ गया। स्कूल जाना पड़ गया, स्कूल आज छुट्टी मरानी थी मैंने ना इनकी। क्यों मन कर रहा था मेरा छुट्टी मानने का। ये देखो भाई कैसी माँ है बच्चों की, कहते बच्चों को कोई मूड नहीं छुट्टी करने का, कहती छुट्टी कर लो। बोलो वो दोनों नहीं, ये और मम्मी छुट्टी करनी है सिर्फ। इसमें दामू के साथ दामू ने ये बोला कि नहीं मम्मा हम छुट्टी नहीं करेंगे। हाँ। मैं स्कूल जा रहा। अच्छा हाँ। अच्छा बेटा है ये मेरा, इसने बिल्कुल कहा। ये ना हमारे खिलाफ ही रहती है, कल परसों कह रही मरवा दो ना मम्मा छुट्टी। फिर मैं कह रही मरवा नहीं सकती क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं। मुझे पता है आज कोई टेस्ट नहीं था, इसलिए मेरा मन था कि छुट्टी मरा दो, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। आज फायदा हो गया, आज हमारी मैम ही एब्सेंट थी और हमारी मैम एब्सेंट बहुत रेयर होता है। अरे देखो तुझे कैसे लगा स्कूल जाके? स्कूल जाके क्या, आज तो पनिशमेंट भी ले, मेरी तारीफ भी हुई मैम से। डिसिप्लिन चाहिए, मैं मुझे इसको बोलता ही नहीं, बोलना ही नहीं पड़ता, चुप हो जाता है। स्कूल में जाके बोलती नहीं यही भटकती है स्कूल में जाके तो स्टैच्यू हो जाती है। सही है ना? और पनिशमेंट किस बात पे मिली, काम नहीं किया था? नहीं सारे बच्चों को मिली, उनकी वजह से मुझे भी मिली, सिर्फ मामा ने मुझे अकेले को बिठाया था। अच्छा। और दादी बुला रही है भाई नीचे, ये तो अच्छी बात मेरी है। तारीफ है दादी बुला रही है नीचे, दादी इसकी भी तारीफ कर रही है। ये फर्स्ट आई है अब अगस्त क्लास में। यस तो अभी जा रहे नीचे, मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है। आए मम्मी नहीं मम्मी लेर का माता लेर का झूठ बोल रहे हैं, ये पड़ा यहाँ पे लेके आ रहे हैं अभी। ये देना डुगू को और दामू देना, चम्मच खा रही है, चम्मच खाए जा रही है, खाना लाने रही, चम्मच ही खाएंगे। लेके आ रही हूँ मैं, दो मिनट में लाई खाना। आप जैसी नहीं हूँ, मैं रजाई में बैठ के आराम से रेस्ट फरमा रही हूँ। नमकीन चावल खाने हैं। क्या खाने हैं आपको? नमकीन चावल। टाइम लगेगा 10 मिनट कम से कम। भैया हमें तो खाने हैं ना, तो अभी वेट करो मैं लेके आती हूँ। अभी लाई मैं। अच्छा तो नमकीन चावल खा के फिर हमने तेरे से डिस्कस करना। खा के मतलब लेके आ बना के मैं खा के आऊंगी तो फिर आज ऑफिस में भी टाइम नहीं मिला डिस्कस करने का, वो गिफ्ट का डिस्कस करना है कि हमने पर्सनली जाके देने हैं या हम फिर डिस्पैच कर रहे हैं, क्योंकि अब ना बहुत लेट हो गया। सब लोग सोच रहे होंगे ये कैसे बंदे हैं, इन्होंने हमारे गिफ्ट नहीं, गिफ्ट तो देना है हमें, टाइम ही नहीं मिल रहा ना। चल तू फिर बना ना, फिर आराम से बैठ के डिस्कस कर। गिफ्ट दे ही नहीं रहे दे रहे हैं मार रही है बकवास। आज हमारी बैकस क्लास थी जब। तो भाई देखो ये बना लाई ये चावल, पूरे 10 मिनट में इसने कहा था 10 मिनट में बना लाई, बट इसके घर की हल्दी खत्म हो गई है। देखो नहीं हल्दी है, मिंजान किन डाली। हल्दी तो यार एंटीबायोटिक होती है, डालनी चाहिए सर्दियों में, जुखाम जुखाम सब ठीक रहता है। आज जानकिन डाली मेरे को कुछ अलग जुखाम है, हल्दी डालो। क्या मतलब क्या ट्राई करना था तुझे वैसे? बिना हल्दी के चावल बनाने थे। अच्छा अच्छे नहीं बने ना, शक्ल अच्छी नहीं लग रही। नहीं नमकीन चावल तो येलो ही अच्छे लगते हैं, दूसरे चावल थे ये, फीलिंग नहीं आती जो हम लाते हैं ना दामू, नहीं आएगी ना फीलिंग। बहुत टेस्टी है ऐसे खाने में, टेस्टी है खा के देखो। चलो देखते हैं, नहीं अच्छे लगे ना हल्दी डलवा लेंगे हम इसमें। मुझे तो खा नहीं आ रहा। कैसे बने सुमन चावल? टेस्टी है ना, तू बता। खाने में तो टेस्टी है, देखने में अच्छी नहीं है। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके खा लो। हाँ कैसे लगे डुगू? यम्मी लग रहे हैं हमें तो, टेस्टी है। कल की जैसे मेरा मुंह का टेस्ट भी खराब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, टेस्टी है खाने में, खा के देखो। चलो गाइस अभी इंजॉय करते हैं और फिर हम
फाइनल डिसीजन लेते हैं कि गिफ्ट्स का क्या करना है हमें। 10 साल की होगी तो भाई अभी सुमन से पूछते हैं कि क्या प्लान किया इसने, कैसे गिफ्ट। सुमन हमारे पास है क्या टाइम, जा सकते हैं क्या अभी? गाइस हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं अभी टेस्ट और थोड़े दिन बाद इनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए अभी हम किसी के घर तो नहीं जा पाएंगे, तो आप लोगों को हम ऑनलाइन डिस्पैच करवा देंगे आप लोगों के गिफ्ट जिन्होंने हम प्राइस को विन किया है। तो भाई मैंने आज ऑफिस में पूछना था पर टाइम नहीं लग पाया, आज इनके उसकी तेरी अबेकस क्लास थी, आज जुगू के अबेकस क्लास, तो ये बड़ा दामू की पीटीएम भी थी अबेकस क्लास की, तो वहाँ जाना भी जरूरी था क्योंकि फिर इनकी 2-2.5 घंटे तक की क्लास रहती है। तो अभी घर पे आके पूछा है कि हम 3-3:30 बजे तो स्कूल से ही आते हैं, 3:30 बज जाते हैं, उसके बाद खाते पीते हैं, तो 3:30 इसकी क्लास भी थी, 5:30-6 बजे फिर वो अंधेरा हो जाता है, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचता। नो प्रॉब्लम गाइस, तो आज हमने डिसीजन ले लिया है कि हम डिस्पैच करने वाले हैं, तो कल डिस्पैच करवा देंगे और होपफुली आपको 1-2 दिन के अंदर आपके गिफ्ट्स मिल जाएंगे। तो अपने गिफ्ट इंजॉय करना और एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के भेजना कि आपको गिफ्ट कैसे लगे, ठीक है? तो हम अपने व्लॉग में उसको ऐड करेंगे। तो अभी हमने खा पी लिया है और बेड पे आ गए हैं, और ये देखो ये लड़की ये सो गई है और वो सोने की तैयारी कर रही है, और मैं देख रहा हूँ टीवी। सुमन अभी जस्ट आई है, तो अभी आज को मतलब एंड करने का टाइम आ गया व्लॉग का, और अभी इसको एंड करते हैं और ब्लॉग एडिट करके अपलोड करते हैं। ये तो आराम से सो जाते हैं, मेरे को एडिट करना पड़ता है, देखो मेरी आँखों में, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बात वही पड़ती है तो मैं थोड़ा सा आराम से जाता हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। जिसने वीडियो को नहीं देखा तो फटाफट देख लो, और उसके बाद लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और व्यू थोड़ा सा कम हो गया तो बढ़ा दो भाई, फटाफट बढ़ा के और चैनल को ना स्प्रेड कर दो सबको, और क्योंकि हमारे को फिर बड़े बड़े गिफ्ट्स देने हैं चलो भाई आज के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।